हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मनु किचन्स। आजादी मनु किचन्स में बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बहुत ही कम सामान से और झटपट बना करके तैयार करेंगे। और अगर आपने एक बार मेरे स्टाइल में इस नाश्ते को बना लिया ना, तो आप ऑमलेट खाना छोड़ हमेशा मेरी रेसिपी को ही ट्राई करेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। इसके पहले आपने इसे कभी नहीं खाया होगा, तो चलिए बनाते हैं इसे। इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए आधा कप मैंने बेसन लिया है, साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच मैदा। आधा कप बेसन के साथ में 3 चम्मच आपको मैदा डालना है। अगर आप 1 कप बेसन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें 1/4 कप मैदा ऐड कर सकते हैं। मैदा और बेसन को पहले हम छान लेंगे। इस नाश्ते को बनाते समय बेसन और मैदे को आपको छान करके ही लेना है। ये देखिए, बेसन मैदे को हमने छान लिया है, तो छन्नी को साइड कर देंगे। 1 पिंच इसे मैं खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे 1 पिंच इनो भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। एक बार मिक्स कर देंगे, तो इसका हमें बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बेसन को हमने छान के लिया था, तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ रहे हैं। फटाफट से ये बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। बैटर हमारा एकदम तैयार है, और ये देखिए, इस तरीके के फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपको तैयार करना है। इसमें मैंने टोटल 1.5 कप पानी का यूज किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तो हरे धनिया को भी हम एकदम बारीक बारीक कट कर देंगे। हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बैटर हमारा एकदम तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर मैंने एक पैन रखा है, तो पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को पूरे पैन के ऊपर एकदम अच्छे से फैला देंगे। बहुत ही कम ऑयल में आज हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। और ऑयल ग्रीस करने के बाद तवे को आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, तुरंत ही हम इसमें बैटर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच भर करके इसमें मैं बैटर डाल रही हूँ, और इसे हम फैलाएंगे नहीं। ये देखिए, अपने आप ही ये प्रॉपर गोल शेप में आ गया है। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे कि ये हमारा लुक वाइज भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। ये नाश्ते को हम 1.5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर ऐसे ही सेकने देंगे। 1.5 मिनट हो गया है, ऊपर साइड से नाश्ता हमारा पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो इसे अब हम पलटा देंगे। और ये देखिए, जैसे ही एक साइड से ड्राई होगा, तो ये अपने आप ही पलट जाएगा। और देखिए, बैक साइड से भी कितना बढ़िया कलर आया है। देखने में लग रहा है एकदम अंडे जैसा ऑमलेट, और बिना अंडे के आप बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट सा ऑमलेट बना करके तैयार कर सकते हैं, और अपने बच्चों को एकदम हेल्दी चीज सर्व कर सकते हैं। कम ऑयल वाला नाश्ता फटाफट बन करके तैयार हो जाता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ, तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दूसरे साइड से भी 1 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसे सेकने देंगे। तो दूसरे साइड से भी एक बार चेक करेंगे, एक बार वापस से पलटाएंगे। और ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से ये दोनों साइड से सेक चुका है, तो इसे हम निकाल करके रख लेंगे। और ऐसे ही हम 2 से 3 पहले बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपका पैन ज्यादा गर्म है, तो आप गैस को बंद कर दें, ऊपर भी डाल देंगे। बिना अंडे का बहुत ही टेस्टी चटपटा लाजवाब ऑमलेट हमारा तैयार है। और ये देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। देखिए, कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ। अगर आपने एक बार अपने घर में इस ऑमलेट को बना करके दिया ना, तो घर में बच्चे और बड़े सभी को रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आपके घर में सभी लोग अंडा खाना छोड़ हमेशा आपके स्टाइल में ही ये ऑमलेट बनाने की जिद करेंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे एक बार कमेंट करके लिख कर जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मैं फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।